Hey guys, this is Friendship Beats and आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए हमें कस्टम पीसी बिल्ड की नीड है, डेस्कटॉप की नीड है या एक लैपटॉप की नीड है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी न्यू प्रोड्यूसर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए हम डेस्कटॉप लें या लैपटॉप लें, और ले तो कौन सी एक्सेसरीज, क्या क्या एक्सेसरीज होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोसेसर क्या होना चाहिए, SSD कौन सी होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव होनी चाहिए हमारे पास, SSD होनी चाहिए या हमारे पास रैम कितनी होनी चाहिए। तो आज इन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास PC होना चाहिए या हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, उनके प्रोज और कॉन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो PC होता है वो इजी टू अपग्रेड होता है, जो कि हमारा लैपटॉप नहीं होता है। इजी टू अपग्रेड का मतलब है हम लोग अपने PC के अंदर रैम बढ़ा सकते हैं, हम लोग अपने PC के अंदर हार्ड ड्राइव की जगह SSD डाल सकते हैं और हम लोग अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम लोग लैपटॉप के अंदर इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ हम लोग उसके अंदर SSD और पुट कर सकते हैं, रैम और बढ़ा सकते हैं, पर वो बहुत लिमिटेड होती है। हम अपने डेस्कटॉप के अंदर रैम 32 GB भी डाल सकते हैं, पर वो लैपटॉप के अंदर, किसी लैपटॉप के अंदर ही हो सकता है कि हम इतना अपग्रेड कर सकें, तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है हमारे पास लैपटॉप के अंदर। एंड सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हमारे पास हाई परफॉर्मेंस, जो हमारा लैपटॉप होता है वो हमें इतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उसके अंदर एयर वेंट या हमारे पास जो कूलर्स होते हैं उसके अंदर वो इतने नहीं होते, दो फैंस होते हैं सिर्फ। एंड जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसके अंदर हम हाई परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है और उसके अंदर हम कूलिंग भी बहुत अच्छे कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास फैंस भी ज्यादा होते हैं, तो वो हाई परफॉर्मेंस देता है हमें। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि प्रोफेशनलिज्म। हम जब भी लैपटॉप अपने स्टूडियो के अंदर रखते हैं तो मानिए ना मानिए वो थोड़ा बहुत होम स्टूडियो टाइप वाइब देता है हमारे को, और अगर हमारे पास यहाँ पे एक लैपटॉप की जगह PC है, कस्टमाइज PC बिल्ड है हमारे स्टूडियो के अंदर, वो एक प्रो वाली फील देता है हमें, तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी मैटर करता है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि रिलायबल। तो जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, वो बहुत जल्दी डैमेज नहीं होता, वहीं पे हमारा जो लैपटॉप होता है वो हम मूव करते हैं इधर से उधर तो कभी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो कभी ड्रॉप भी हो जाता है तो स्क्रीन भी हमारी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जो हमारा डेस्कटॉप होता है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसमें कॉम्पैक्ट जगह में बहुत सारी एक्सेसरीज नहीं लगानी होती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, हमारा चीप पड़ता है हमारा डेस्कटॉप बजाय हमारे लैपटॉप के। तो ये भी एक मेन पॉइंट है। तो हम लोग बात करेंगे अब कॉन्स के बारे में, जो हमारे PC के कॉन्स होते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कॉन होता है हमारे पास पोर्टेबिलिटी, क्योंकि हम लोग अपने PC को कहीं पे भी ले जा नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं इजीली, हम लोग कहीं ट्रैवलिंग के टाइम पे काम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ में हमारे पास लैपटॉप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हम कभी भी उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो बहुत बड़ा एक पॉइंट हो जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है सेपरेट स्पेस। स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमारे यहाँ पे PC को, एक कस्टम टेबल चाहिए होती है, बहुत स्पेस चाहिए होता है, और यहाँ पे हमारे लैपटॉप को उतनी नीड नहीं होती है, उसे हम कहीं पे भी लेके बैठ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे अपनी एक्सेसरीज एंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैम के बारे में। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हमें रैम की, वो होती है हमारे पास 4 GB, पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट 8 GB ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी मल्टी प्रोग्रामिंग करनी होती है। हम बहुत सारी VSTs यूज़ करते हैं, बहुत सारे DAW यूज़ करते हैं, DAW तो हम एक ही यूज़ करते हैं, पर VSTs एंड प्लगइन्स हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमें करनी होती है, तो 8 GB मिनिमम एटलीस्ट आप लोग यूज़ करो। अगर आप लोग बिगिनर है तो 4 GB इज़ गुड, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं 4 GB के साथ, पर आप लोग 8 GB ज़रूर यूज़ करें, आप लोग अपग्रेड कर दें उसे। और मैं यहाँ पे 16 GB यूज़ करता हूँ अपने PC में, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मेरे को आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब भी म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं तो ग्लिच आता है, CPU ओवरलोड हो जाता है, वो वाली चीज़ आपको नहीं दिखेगी अपने, जब आप रैम को बढ़ा दोगे तो उसमें वो वाली चीज़ नहीं दिखेगी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वाली चीज़ आपको दिखे। एंड सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसर है। अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो i3 इज़ गुड, i3 स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, पर आप लोगों को आगे बूस्ट करना पड़ेगा, उसे i5 लेना पड़ेगा, मिनिमम रिकमेंडेशन i5 होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा कोर होते हैं, आप लोगों को हेल्प करेगा ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस करने के लिए, तो मिनिमम आप लोग i5 ज़रूर यूज़ करें। अगर आप लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो i3 इज़ गुड। अगर आप लोग थोड़ी सी कॉस्ट कट करना चाहते हैं अपने प्रोसेसर में, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग AMD Ryzen की तरफ जाएं, Ryzen आप लोगों को थोड़ा चीप पड़ेगा एंड परफॉर्मेंस सेम है, और उल्टा आप लोगों को थोड़ी हाई परफॉर्मेंस मिल जाएगी Ryzen के अंदर। तो Ryzen के अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि Ryzen 5 में जाएं आप लोग, वो आप लोगों को i3 के थोड़ा सा, i3 से थोड़ा सा महंगा मिलेगा, पर वो आप लोगों को काम करके देगा i5 के बराबर या i5 से ऊपर। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि AMD Ryzen में जाएं आप लोग। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के पास एटलीस्ट SSD ज़रूर होनी चाहिए आप लोगों के PC के अंदर। आप लोग चाहे PC बिल्ड करवा
करवाए या लैपटॉप ले उसके अंदर SSD जरूर रखें, क्योंकि SSD जो होती है हमारी फास्ट होती है हार्ड ड्राइव के मुकाबले। हार्ड ड्राइव में हमारे पास स्पिनिंग डिस्क होती है जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है डाटा प्रोसेस करने में, डाटा इधर से उधर मूव करने में, एंड वो बैटरी भी ज्यादा यूज करती है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि SSD यूज करें जो कि हमारी फास्ट होती है, जो कि हमारे काम को स्पीड अप करेगी। तो ये थी मेरी वीडियो, आप लोगों को मैंने कुछ टिप्स दी थी अपनी नॉलेज के हिसाब से, जितना मेरे को लगता था मैं आप लोगों को बता पाऊंगा उसके हिसाब से। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का बजट कितना है, आप लोग क्या चाहते हैं अपने स्टूडियो के लिए कैसा दिखना चाहिए। अगर आप लोग एक जगह पर बैठ के काम करते हैं तो आप लोग PC बाय करें, अगर आप लोग ज़्यादा मूव अराउंड करते हैं तो आप लोग एक लैपटॉप ले लें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों को अगर परफॉर्मेंस चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तो एक PC बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पर आप लोगों को साथ परफॉर्मेंस के साथ साथ मूवेबिलिटी चाहिए तो आप लोग ज़रूर एक लैपटॉप की तरफ जाएँ, क्योंकि लैपटॉप में भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है पर आप लोग PC के मुकाबले उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने कुछ रिकमेंडेड लैपटॉप्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं उसको वहाँ से बाय करके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिल्म वाले हीरो नहीं फिल्म के खलनायक, तेरी जवानी हम बड़े लाभदायक है, बोल 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 जो तुझे दिक्कत कोई वो कहना हमारे चाचा विधायक।